हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिटार बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्लाईवुड ले लिया है, इसको प्री कटिंग कर ली है। उसके बाद हम इसमें नेसेसरी जो हमें सर्कल्स और जो हम साउंड बॉक्स जो हमें बनाना है, जब लाइंस ड्रॉ करनी है, हम उसको प्री ड्रॉ कर लेंगे। आप इसको कंपास की हेल्प से कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से कर सकते हैं। मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। हमने इसको प्री कलर कर लिया है। प्री कलर करने से हमारे पर इसके जो हम कलर की जो फाइनल कोट लगाएंगे वो बड़े अच्छे से हो जाएगी और हमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। हमने इसको ड्रॉ कर लिया, देन वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस ओके कीज विद द हेल्प ऑफ स्केल। आफ्टर डैट हेड स्टॉक को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया था। अब हम इसमें आगे कलरिंग स्टार्ट करेंगे। फैब्रिकल कलर, एक्रेलिक कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने इसमें ऑरेंज, ब्राउन एंड येलो तीन कलर को मिक्स करने के बाद अपने कलर को अप्लाई किया है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग और हमारे गिटार पर आ रही है। फ्लैट ब्रश को आपने केवल एक ही डायरेक्शन में चलाना है, इसके लिए आप फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे। फ्लैट ब्रश को आपको एक डायरेक्शन में चलाते हुए जाना है। अगर आप इसको अलग अलग डायरेक्शन में चलाएंगे तो कलर के पैचेस अलग से दिखेंगे। किनारी को आपको बहुत ध्यान से, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश को, आपको इसी तरह यूज़ करना है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख करके आप बना सकते हैं। अब हम इसकी जहाँ पर कीज़ बनाते हैं उन कीज़ को हमने ब्लैक कलर से इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से ब्लैक कलर को लगाकर पहली कोट हमने इसमें डाल दी थी, अब सेकंड कोट में भी हम एक बार ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में यूज़ करेंगे क्योंकि हमें केवल इसको अभी फाइनल कोट नहीं देना है। फाइनल कोट जब हम देंगे तब हम इसको एक डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। अभी हमें केवल इस पर प्री कलर करना है, ब्लैक कलर वाइट के ऊपर। हमने इस पर पहले प्राइमर किया था क्योंकि वुडन है, तो वुडन पर प्राइमर करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूँ, आप इस तरह से कलर अप्लाई करें या आपको जैसे प्री कलर करना है आप उस तरह से अप्लाई करें। डिज़ाइन बनाने के लिए आप 000 नंबर का राउंड ब्रश ले लें, उसी राउंड ब्रश से आप डिज़ाइन बनाते चले जाएं। आपको ज़्यादा कोई डिज़ाइन इस पर नहीं बनाना है, आप केवल हल्का सा कोई भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ले लें या आप कोई सा भी आप फ्लोरल या डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं डायरेक्ट डिज़ाइन बना रहा हूँ, आप इसको पेंसिल से भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैंने बड़े सुंदर सुंदर हार्ट इसके ऊपर बनाए हैं। आप किसी भी तरह की किसी भी कलर से जो उसके ऊपर मैच करता है आप उन हर्ट्स को बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको 000 नंबर का ब्रश, राउंड ब्रश यूज़ करना है। अब मैंने अपने गिटार को सुंदर लुक देने के लिए इसके ऊपर मैंने ऑफ वाइट कलर से इसकी फिनिशिंग डाली है। दो ऊपर फ्लोरल पैटर्न बनाए हैं और जो हर्ट बनाए थे उनको मैंने वन साइडेड ऑफ वाइट कलर से आउटलाइनिंग की है। वायर्स बनाकर देखिए कि हमारा गिटार कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन।